हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम एक नॉवेल लेकर आए हुए हैं, द गर्ल इन रूम 105 एन अनलव स्टोरी। ये चेतन भगत द्वारा लिखी हुई नॉवेल है। इंडियन राइटर हैं, बहुत ही फेमस राइटर हैं चेतन भगत। तो ये नॉवेल बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसमें ड्रामा भी है, सस्पेंस भी है। जैसे कि चेतन भगत की ज़्यादातर नॉवेल्स होती हैं लव स्टोरी होती हैं, और उसमें पहले से आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि स्टोरी कहाँ एंड होगी। ये नॉवेल वैसी बिल्कुल भी नहीं है। आपको बिल्कुल एक नया एक्सपीरियंस मिलेगा, और अब एक बार पढ़ने बैठ जाएंगे तो आप इसे ख़त्म करके ही सांस लेंगे, क्योंकि ये इतनी अच्छी नॉवेल है। केवल 300 पेज की ये नॉवेल है, और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। इसकी लैंग्वेज बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, और अगर किसी को वीडियो स्लो लगती हो तो उसको स्पीड बढ़ाकर देखे, क्योंकि कई बार कंप्लेन आती है कि वीडियो स्लो हो जाती है, तो स्पीड आप बढ़ा के देख सकते हैं। तो चेतन भगत के इस नॉवल में रोमांस भी है, ड्रामा भी है, सस्पेंस भी है, और क्राइम मिस्ट्री भी है। तो इसमें मेन प्लॉट से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे मेन प्लॉट केशव है। केशव जो कि एक IITian होता है, काफ़ी ब्राइट स्टूडेंट होता है, लेकिन दिल्ली से IIT करने के बाद उसे कोई प्लेसमेंट नहीं मिलता है। वो राजस्थान अलवर का रहने वाला होता है। इसके बाद दूसरा मेन प्लॉट जारा। जारा जो कि केशव की एक्स गर्लफ्रेंड होती है, वो इस समय IIT से PhD कर रही होती है, और केशव किससे काफ़ी समय तक उसकी अच्छी फ्रेंडशिप रही, या रिलेशनशिप में एक साथ रहे। उसके बाद तीसरा करेक्टर है सौरभ। सौरभ जो कि केशव का बहुत ही जिगरी यार है, वो हमेशा केशव के साथ रहा है। इस पूरी नॉवेल में वो केशव के साथ ही रहा है। इसके बाद चौथा करेक्टर है रघु। रघु जो कि इस समय जारा का बॉयफ्रेंड है, और केशव से ब्रेकअप होने के बाद रघु के और जारा का काफ़ी मीन्स इंटरैक्ट हुआ, काफ़ी इंटरेक्शन हुआ, तो काफ़ी साथ में रहे। रघु भी एक IITian है, IIT दिल्ली से सेम बैच का है, और इसके बाद उसने खुद का स्टार्टअप स्टार्ट किया हैदराबाद में, जो कि उसका नेटिव प्लेस है। इसके बाद यहाँ बात की गई सिकंदर की। सिकंदर इनका जारा का सौतेला भाई है, जो कि कश्मीर में रहता है। वैसे जारा एक कश्मीरी फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो कि काफ़ी समय पहले ही दिल्ली आ गए थे उनके पिता। उनके पिता के बारे में बात की जाए तो उनके पिता की 3 शादियां हुई। पहली शादी से जारा थी, उसके बाद सिकंदर, और अब तीसरी शादी से उनकी तीसरी अम्मी। तो कहानी का प्लॉट स्टार्ट होने के बाद स्टोरी यहाँ से शुरू होती है कि दो दोस्त, यहाँ पे केशव और सौरभ, किसी पार्टी में थे, न्यू ईयर की पार्टी में, और दोनों बहुत ही ज़्यादा नशे में थे। सौरभ फिर भी अपने आप को कंट्रोल में किए हुए था, लेकिन केशव बिल्कुल कंट्रोल में नहीं था। केशव के इस न्यू ईयर पार्टी के साथ साथ 4 साल हो गए थे जब उसका जारा का ब्रेकअप हुआ था। 1 जनवरी को ही उन दोनों का ब्रेकअप हुआ था, और अभी तक केशव इसको भुला नहीं पाया था। जारा को अभी भी वो याद करता था। 4 साल होने के बावजूद अभी भी वो सिंगल है, और सिर्फ जारा को ही याद करता है। दारू पीने के बाद उसने अपनी व्हाट्सएप खोली, और व्हाट्सएप में जारा की प्रोफाइल देखी। प्रोफाइल में जारा के साथ अब रघु था। अब जारा के साथ वो पुरानी केशव वाली फोटोज नहीं थी। जारा और रघु एक दूसरे के गले में हाथ डालकर फोटो क्लिक कराए थे। उसके बाद केशव को काफ़ी गुस्सा आया, और उसने काफ़ी गालियाँ बुरा भला कहा। लेकिन तभी उसके फोन में व्हाट्सएप से जारा को कॉल कर दिया। जारा ने कॉल नहीं उठाई। उसने एक बार कॉल किया, दो बार कॉल किया, सौरभ ने उसको मना किया, लेकिन जारा को कॉल करने के बाद केशव ने कहा, आप क्राइम एक बार करिए या 10 बार करिए, क्राइम तो क्राइम ही होता है। इसके बाद वो लगातार जारा को कॉल करता रहा। 8 बार कॉल किया, 9वीं बार कॉल किया, लेकिन आखिरकार 10वीं बार में फोन उठा। फोन उठा, उधर से जारा की हेलो की आवाज़ सुनाई दी, इधर से केशव, और केशव कुछ बोल नहीं पा रहा था। भले कॉल उसी ने किया था, लेकिन उसके पास कोई शब्द नहीं थे। जारा ने कहा, क्या हुआ? केशव कहता है कि कॉल क्यों नहीं उठा रही, बात नहीं करना क्या? तो उसने कहा कि बात करनी होती तो पहली बार में ही कॉल उठा लेते। उसने कोई ज़्यादा खास बात नहीं की, और फोन कट कर दिया। लेकिन केशव का भी मन नहीं भरा था। केशव ने फिर से कॉल की, लेकिन इस बार कॉल किसी लेडीज ने नहीं, बल्कि एक जेंट्स की आवाज़ ने उठाई, राग रघु ने। रघु और केशव सेम बैच के थे, लेकिन एक दूसरे से बिल्कुल नहीं पटती थी। रघु बहुत सिंसियर था पढ़ाई के प्रति, और रघु ने केशव से कहा कि जारा उसे बात नहीं करना चाहती। इतने में केशव पीए तो था ही, उसने
रघु को काफी कुछ सुना दिया। इसके बाद रघु ने भी कॉल कट कर दी। इसके बाद दोनों पी के सो गए दोनों दोस्त। और अगले दिन सौरभ ने उसको अपनी पुरानी हरकतें बताई कल रात वाली, जिससे कि वो खुद काफ़ी शर्मिंदा था और उसने सौरभ को प्रॉमिस किया कि अब वो उसे कॉल नहीं करेगा। इन दो महीनों के बीच, अगले दो महीने मतलब हम कह रहे हैं फरवरी में जारा का बर्थडे हुआ करता था। पिछले 4 साल हो गए थे ब्रेकअप के, लेकिन अभी तक हर साल एग्जैक्ट 12 बजे रात में केशव जारा को विश किया करता था। लेकिन इस बार उसने सोचा था कि इस बार वो उसे विश नहीं करेगा किसी भी हालात में। बिल्कुल वो पूरी तरीके से डिटरमाइंड था। इस टाइम वो काफ़ी कुछ अपनी पुरानी यादों को सोच रहा था कि क्या हुआ था, हम लोग कैसे एक दूसरे से प्यार में थे, एक सेमिनार में मिले थे, वहाँ से हम लोगों की दोस्ती बढ़ी थी। लेकिन काफ़ी समय हो चुके थे उस सब चीज़ों को और शायद वो नहीं भुला पाया था, लेकिन जारा उससे काफ़ी आगे निकल चुकी थी। लेकिन देखा क्या जाता है कि 12 बज गए थे, उसने मैसेज तो नहीं किया, उसने फ़ोन काफ़ी दूर रख दिया था। लेकिन 2 बजे के करीब उसके फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आया। उसने कुछ ध्यान नहीं दिया, लेकिन तुरंत फिर दोबारा दूसरा नोटिफिकेशन आया। सौरभ ने उसे फ़ोन उठा कर दिया, उसने देखा कि जारा की मैसेजेस पड़ी हैं। उसमें मैसेजेस में लिखा हुआ है, क्या तुम मुझे भूल गए? अब तुम मुझे कभी मैसेज नहीं करोगे? तुम हमेशा मुझे मेरे बर्थडे में सबसे पहले विश करते थे, अब तुम नहीं करते हो, क्यों नहीं किया? एक साथ काफ़ी मैसेजेस पड़े हुए थे। ये सब देखकर केशव को बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ कि जारा ने उसे मैसेज किया है। लेकिन वो काफ़ी खुश था और उसने कहा कि शायद मैं इसकी ज़रूरत नहीं समझी। उसने फिर जारा ने मिलने के लिए कहा। केशव ने कल कहा कल मिलते हैं। जारा ने कहा नहीं अभी आ जाओ। बोली कहाँ? वो कह रहे वहीं हॉस्टल में IIT दिल्ली, जहाँ से वो PhD कर रही थी। तो उसने कहा इतनी रात को? उसने कहा हाँ आ जाओ। जारा के कहने पर केशव मान गया। केशव अपने साथ जबरदस्ती सौरभ को भी लेते गया। अब IIT दिल्ली में गर्ल्स हॉस्टल में जाना कोई आम बात तो है नहीं, लेकिन केशव पहले भी जा चुका था। यहाँ पे जैसे आपने देखा होगा स्टोरी के टाइटल में ये रूम नंबर 105, तो ये रूम नंबर 105 में ही जारा रहती थी। काफ़ी प्यार करती थी इस रूम से और यहाँ पे केशव जाया करता था, क्योंकि बगल में एक मैंगो ट्री था, आम का पेड़ था, उसी से चढ़कर केशव उसके रूम में जाया करता था। काफ़ी प्रैक्टिस 4 साल में उसकी छूट चुकी थी पेड़ पर चढ़ने की, लेकिन किसी तरह वो पेड़ पर चढ़कर रूम के अंदर गया। विंडो खोल रखी थी जारा ने। अंदर जाते हुए उसने देखा कि लाइट बिल्कुल बंद। उसने जारा को आवाज़ दी, लेकिन जारा शायद सो चुकी थी। उसने जारा को फिर से आवाज़ दी तेज आवाज़ में, लेकिन उसने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद उसने अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन की और स्विच बोर्ड से कमरे की लाइट ऑन की। जारा के फेस में चद्दर पड़ा हुआ था, शायद वो बहुत ही गहरी नींद में सो रही थी। उसने चद्दर हटाया और उसको एक दो बार हिलाया, वो बिल्कुल नहीं हिली। अब शायद उसके शरीर को टच किया, उसके सर को टच किया, बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ गया था। अब शायद इसको एहसास हुआ कि कहीं जारा डेड तो नहीं हो गई। उसने तुरंत नीचे से सौरभ को बुलाया। नॉवल में दिखाया गया कि सौरभ बहुत ही ईटी था, बहुत ही ज़्यादा खाना खाता था और उसका शरीर भी काफ़ी बढ़ गया था। उसकी भी एज यही 26-27 रही होगी, लेकिन उसकी भी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, ना ही उसकी शादी हुई थी। वो अक्सर टिंडर में अपने मैच के लोगों को देखा करता था, लेकिन अभी तक कोई उसको करेक्ट मैच मिला नहीं था। तो उसने बड़ी मुश्किल में मैंगो ट्री से वो भी कमरे के अंदर आया और उसने कंफर्म किया कि जारा अब नहीं रही। तो ये अभी तक की कहानी थी कि जैसे कि हर लव स्टोरी में होता है कि एक अच्छी लव स्टोरी होती है, सक्सेसफुल लव स्टोरी होती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। स्टार्टिंग में ही जारा जो कि गर्लफ्रेंड थी, एक्स गर्लफ्रेंड कह सकते हैं, उसकी डेथ हो गई। लेकिन डेथ का रीजन क्या है, क्या किसी ने सुसाइड किया उसने या किसी ने उसको मारा, तो उसका क्या है, ये पूरी नॉवल में आगे बताया गया है। इसके बाद तुरंत उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया और पुलिस के साथ साथ जारा के फैमिली मेम्बर जो उनके पिता अब्बू जान यहाँ दिल्ली में रहते थे, उनको भी इन्फॉर्म किया। तो रात को पुलिस आए, पुलिस में इंस्पेक्टर राणा का मेन यहाँ पे करेक्टर दिखाया गया है। इंस्पेक्टर राणा पूरे नॉवल में एज ए पुलिस इंस्पेक्टर दिखाए गए हैं। इंस्पेक्टर राणा ने काफ़ी पूछताछ की
और पूछताछ करने के बाद दोनों को पूछा कि आप इतनी रात को गर्ल्स हॉस्टल में क्या कर रहे थे। तो उन्होंने रीज़न बताया, उन्होंने प्रूफ दिखाया। इसके बाद इंस्पेक्टर राणा ने और भी लोगों से पूछताछ की, जैसे कि वॉचमैन से। तो सीसीटीवी फुटेज में पता चला कि रात में 2 से 3 बजे के बीच वॉचमैन अपनी पोजीशन पे या मेन गेट पे नहीं था। तो सबसे ज़्यादा शक वहीं से बढ़ता है कि वॉचमैन नहीं था तो शायद वॉचमैन ने ही कहीं ना मार दिया हो, क्योंकि पहले भी पता चला था कि जारा ने एक बार वॉचमैन को थप्पड़ मार दिया था। अभी ये हाल ही की बात है, 1 महीने के अंदर की ही बात है। तो यहाँ पे लगा कि कहीं वॉचमैन ने ना मार दिया हो, इसलिए पुलिस ने सस्पेक्ट के तौर पर वॉचमैन को अरेस्ट कर लिया। लेकिन केशव को विश्वास नहीं हो रहा था कि वॉचमैन मार सकता है इतनी छोटी सी बात के लिए। तो केशव वॉचमैन से मिलने गया, वॉचमैन ने उसके पैर पकड़ लिए। उसने कहा कि उसकी लड़ाई ज़रूर हुई थी, लेकिन उसके बाद उसने सॉरी भी बोल दिया था जारा मैम को, और मैं उसको मार नहीं सकता, मेरे छोटे छोटे बीवी बच्चे हैं। तो ये सब उसने कहा तो केशव को थोड़ा और विश्वास हुआ। इसके बाद केशव ने कहा कि आप 2 से 3 कहाँ थे? तो उसने कहा कि मैं वाईफाई कैंपस में वाईफाई यहाँ लगा था, उसके पास था, मैं थोड़ा मोबाइल में पॉन देख रहा था, इसलिए मैं वहाँ पे नहीं था। तो इसको कंफर्म करने के लिए सौरभ से मदद ली। सौरभ क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और उसको इन सब चीज़ों की अच्छी खासी नॉलेज थी, तो जिससे उसने ब्राउजर हिस्ट्री सर्च की और उसमें देखा कि ऐसी कई साइट्स में उसने सर्च किया है। तो जिससे उनको ये तो यकीन हो गया कि ये जो मर्डर है ये वॉचमैन ने नहीं किया है। लेकिन अभी ये बात पुलिस को कैसे प्रूव की जाए, इन दोनों को अभी ये कन्फर्म नहीं हुआ था, क्योंकि भले ही इनका ब्रेकअप हो गया था केशव का, लेकिन वो अभी तक जारा को बहुत प्यार करता था और वो चाहता था कि जो रियल सस्पेक्ट है, जो रियल मर्डरर है, उसको जेल के अंदर भेजा जा सके। वैसे तो एक कहानी ये भी बताई गई है बीच में कि एक बार जारा को केशव अपने घर अलवर लेकर गया, और जारा एक कश्मीरी मुस्लिम थी, बट यहाँ पे केशव के पिता एक आरएसएस से ज्वाइन थे। तो जब पता चला उनको कि ये लड़की मुस्लिम है, तो उसी दिन उसी रात को उन्होंने उन दोनों को यहाँ से निकाल दिया। ये बात केशव को बहुत बुरी लगी कि हमारी फ्रेंड आई थी और यहाँ रात भी रुकने नहीं दी, तो लेकिन दोनों चले गए। इसके बाद केशव और जारा उन्होंने डिसाइड कर लिया था शादी तो करेंगे ही साथ में, लेकिन फिर उन्होंने मिलने गए जारा के पिता से। तो जारा के अब्बू जान के घर गए, बहुत ही बड़ा महल टाइप का बना हुआ था, काफ़ी अमीर दिख रहे थे। तो जारा के अब्बू ने बताया कि ठीक है आप लोग शादी कर लीजिए, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। तो शर्त पूछने पर यह बताया गया कि आपको इस्लाम कबूल करना पड़ेगा। केशव बिल्कुल अचंभित रह गया कि शायद उसके घर वाले तो बिल्कुल भी नहीं माने कि मैं इस्लाम कबूल करूं, मैं इकलौता बेटा हूं, और प्यार की कोई शर्त नहीं हो सकती कि धर्म चेंज करो ये करो। तो उसने उस समय कुछ नहीं कहा, बाद में कह रहा बताएंगे सोच समझ के। इसके बाद जारा ने उसे काफ़ी बार कहा कि या तो आप धर्म चेंज कर लो या अपने पापा मम्मी को कन्विंस कर लो, दोनों में से किसी भी एक पेरेंट्स का कन्विंस होना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे हम लोग मैरिज नहीं कर सकते। तो ऐसे में वो किसी तरह जा नहीं पा रहा था, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा था यहाँ पे। इसके बाद केशव और जारा के पिताजी शरीफ नाम था उनका, तो उनके बीच में काफ़ी बहस भी हुई एक बार, और रात में केशव काफ़ी ड्रंक किए हुए था और शरीफ का फ़ोन आया, तो केशव ने उनको काफ़ी गालियाँ सुनाई और काफ़ी कुछ बुरा भला भी कहा। और जब ये बात जारा को पता चली तो जारा ने केशव को बहुत हड़काया, और यहीं से मेन रीज़न बन जाता है केशव और जारा का दोस्ती टूटना या फिर क्लोज रिलेशनशिप में दरार आना। यहीं से इन दोनों की दोस्ती टूट जाती है और यहीं से जारा को रघु मिल जाता है, रघु जो कि एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर था, अच्छी स्टार्टअप कंपनी थी। तो ये सब बात तो बाद में होगी, लेकिन अब देखते हैं कि मर्डर के बाद अब इन दोनों ने कैसे इन्वेस्टिगेट किया, केशव और उसके दोस्त सौरभ ने। केशव ने किसी भी तरीके के जारा के पिता को कन्विंस किया, भले वो केशव से बहुत नाराज थे, वो उनको नहीं पसंद करते थे, लेकिन केशव ने समझाया कि ये जारा की लाइफ के लिए, लाइफ में तो नहीं कर पाए लेकिन आफ्टर डेथ जो उसका रियल मर्डरर है, कम से कम उसको तो हम मतलब अपने जेल के पीछे भेज सकें।
इसके बाद उन्होंने उसको कंफर्मेशन दी कि पूरी इन्फॉर्मेशन दी कि उनके फैमिली में कौन कौन है, सिकंदर बताया और उनकी पुरानी अम्मी, पुरानी वाइफ, और इसके अलावा कि वो अभी भी कश्मीर में रहते हैं और जारा बहुत ज़्यादा प्यार करती थी सिकंदर से और अभी भी करती है शायद। और इसके बाद उन्होंने रूम की तलाशी लेनी शुरू की। तो रूम की तलाशी में थोड़ी अजीब अजीब चीज़ें मिली, जैसे प्रेगनेंसी किट। तो यहाँ पे उसको काफ़ी बुरा लगा यहाँ पे कि बताओ मेरी गर्लफ्रेंड थी और अब किसी और के साथ शायद उसका रिलेशनशिप चल रहे थे। इसके अलावा कैप कोकीन मिली, गन पाउडर मिला और इसके बाद और भी कुछ चीज़ मिली, जैसे कि उसको ईयर रिंग्स मिली। ईयर रिंग्स बहुत कॉस्टली लग रही थी और लग रहा था किसी अमीर आदमी ने ही दी है। तो उसको लगा शायद रघु ने दी होंगी, क्योंकि रघु बहुत ही अमीर आदमी बन चुका था इस समय तक, इसलिए उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब उसे डाउट हो रहा था कि कहीं ये मर्डर उसके भाई सिकंदर ने तो नहीं किया है, क्योंकि सिकंदर की काफ़ी फ़ोटोज उसने इंस्टाग्राम में देखी थी जिसमें सिकंदर हाथ में गन लिए हुए था और एक फ़ोटो में तो साथ में जारा भी थी। तो उसको लगा कि उसको ये भी पता चल गया था कि सिकंदर किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से मिला हुआ है और उसके लिए काम करता है। तो सिकंदर से बातचीत करने के लिए वो दोनों दिल्ली से कश्मीर गए। श्रीनगर में उनकी अम्मी से मुलाकात की। अम्मी से पता चला कि सिकंदर 8-10 दिन में उनसे मिलने आता है, लेकिन उसका नंबर मांगने पर उन्होंने एक नंबर दिया। बात करने पर सिकंदर पहले बात करने को तैयार नहीं हुआ, लेकिन उसने जारा की मौत का वो देकर, इमोशनल ड्रामा देकर सिकंदर को मिलने को लिए तैयार कर दिया। सिकंदर को ये नहीं एहसास था कि इनको हमारे किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानकारी है, इसलिए वो मिलने तो आ गया, लेकिन यहाँ पे केशव और सौरभ ने उनसे बहुत अलग अलग तरीके के सवाल जवाब किए, जिससे उसको लगा कि मैं फंस जाऊँगा और उसे बहुत डर लगने लगा। उसने इतना बताया कि जारा और मेरे बीच में अच्छी दोस्ती थी, हम भले ही सौतेले थे लेकिन कभी लगा नहीं कि सौतेले हैं, वो भी हमसे काफ़ी प्यार करती थी, वो मेरी दूसरी माँ के तरीके थी और मैं भी उनसे काफ़ी प्यार करता हूँ। उसने साफ साफ कह दिया कि मैं उनको मारने के बारे में सोच भी नहीं सकता। तो यहाँ पे जो मेन शक था सिकंदर के ऊपर, वो अभी तलवार उसी के ऊपर लटक रही थी, लेकिन उसने अपनी तरफ से कबूल नहीं किया था। लेकिन अगले दिन न्यूज आई कि सिकंदर ने अपने आप को सुसाइड करा लिया है, गोली मारकर खुद को गोली मार ली है। तो जब ये न्यूज आई तो ये तो पूरी तरह से कन्फर्म हो गया कि सिकंदर ने खून नहीं किया है, लेकिन कहीं ना कहीं ये ज़रूर कन्फर्म हो गया कि सिकंदर एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ था, क्योंकि उसमें से कई वीडियोज मिले उसके रूम से जहाँ पे होटल में वो स्टे किया हुआ था। अब जब सिकंदर नहीं तो अब कौन, वॉचमैन भी नहीं, सिकंदर भी नहीं। तभी पता चला कि मिस्टर सक्सेना, जो कि गर्ल्स हॉस्टल के डीन हुआ करते थे, तो वो उन्होंने काफ़ी बार प्रपोज किया था जारा को। ये बात रघु ने बताई, क्योंकि रघु ने एक मैसेज दिखाया इनको, केशव को, कि हमें एक प्रॉब्लम बताई थी जारा ने कि जो डीन है हमें काफ़ी परेशान करता है, सेक्सुअल हरेसमेंट भी करता है, काफ़ी बार हमारे पीछे से आके बाल पकड़ता है, हमारे कंधे पर हाथ डाल देता है और मुझे शादी के लिए भी प्रपोज किया है। जब ये बात पता चली तो शक मिस्टर सक्सेना पर पहुंचा, लेकिन सक्सेना एक ऐसे शख्स थे जिनसे केशव खुद IIT में पढ़ चुका था, इसलिए ज़्यादा सवाल जवाब नहीं कर सकते थे। इसके बाद वो सक्सेना से मिलने गए, वहाँ पे सक्सेना ने कोई खास जवाब नहीं दिया। इसके बाद वो मिसेस सक्सेना से मिलने गए, तो मिसेस सक्सेना को जब उन्होंने प्रूफ दिया कि वो ऐसी हरकतें करते थे, तो उन दोनों में काफ़ी बवाल हुआ। लेकिन सक्सेना से उनका शक तब हटा जब उन्होंने देखा कि सक्सेना के एक पैर में चोट लगी है और ये चोट काफ़ी लंबे समय से लगी है, जिससे कि सक्सेना मैंगो ट्री पे चढ़कर तो जा नहीं सकते और रात में कोई भी जेंट्स हॉस्टल में अलाउ नहीं होता है। तो इस प्रकार से उनका शक सक्सेना से भी हट गया। तो ये कहानी ऐसी ही मतलब इंटरेस्टिंग होती जा रही है, अलग अलग उनको एविडेंस मिलते जा रहे हैं, लेकिन वो किसी पे यकीन नहीं कर पा रहे हैं। कहीं रघु पे उनका शक जा रहा है, कहीं मिस्टर सक्सेना पे जा रहा है, कहीं सिकंदर पे जा रहा है, और कहीं पुलिस जैसे मिस्टर राणा था उनको सिक्योरिटी गार्ड पर जा रहा है, लेकिन अभी वो बिलीव नहीं कर पा रहे हैं कि किसने ये किया होगा, या फिर कोई और ही है जिनका इनके साथ रिलेशनशिप है। कहानी आगे बढ़ती है, आगे बढ़ने में उन्होंने ईयर रिंग्स की पूछताछ की, तो रघु ने उनको बताया कि ये ईयर रिंग उसने नहीं दी है,
अब उनके पिता से पूछताछ की तो पिता ने भी कहा कि ये इयररिंग उन्होंने नहीं खरीदी है। अब जारा को ये इतनी महंगी इयररिंग दी किसने होगी, ये भी एक डाउट वाली सिचुएशन क्रिएट करती है। तो इयररिंग पे एक दुकान का नाम लिखा हुआ था, दोनों वहाँ गए तो वहाँ जाके पता चला कि ये इयररिंग किसी, वहाँ पे किसी का नाम तो नहीं लिखा था लेकिन इतना बताया गया कि किसी फौजी ने खरीदी थी और इसकी कीमत 3,80,000 रुपये है और उसने एडवांस में कैश में पेमेंट की थी। तो जब ये पता चला किसी फौजी ने दी थी तो उनको समझ में नहीं आया कि कौन है ऐसा फौजी जिनका रिलेशन जारा के साथ है, क्योंकि वो तो किसी को नहीं जानता था। फिर उसने उनके पिता से पूछताछ की शरीफ से, तो शरीफ ने बताया कि उनका एक बचपन का दोस्त है, स्कूल फ्रेंड है, तो वो इस समय फौजी में है, उसका नाम भी फैज है, तो उसने शायद इयररिंग दी होगी। तो वो उसने अपॉइंटमेंट लिया फैज से मुलाकात करने के लिए, दोनों आर्मी के एरिया जो होता है तो वहीं पे गए और वहाँ पे उन्होंने देखा कि काफ़ी सारे मतलब सिविलियन ज़्यादा अलाउ नहीं होते हैं, लेकिन उन दोनों को वार्म वेलकम मिला और दोनों मतलब काफ़ी खुश थे। उन्होंने काफ़ी पूछताछ भी की इनडायरेक्टली, डायरेक्टली कोई पूछताछ नहीं की लेकिन इनडायरेक्टली थोड़ा सा बात की और ये भी पूछा कि मतलब कि उनको कैसा लगा है, कितना सदमा पहुँचा है, तो ये सब उन्होंने इनडायरेक्टली बात की। तो उससे ये पता कुछ खास चला नहीं, बस इतना पता चला कि फैज की जो वाइफ है ये दुबई में है इस समय पिछले 6 महीने से और दिल्ली में इनका एक घर है, तो इनको लगा कि शायद दिल्ली में इनको कोई एविडेंस मिल सकता है। तो ये दोनों लोग सौरभ और इनके दोस्त मेन कैरेक्टर केशव, ये दोनों जाते हैं सीधे दिल्ली। दिल्ली में इन्होंने एक अच्छे टाइम का वेट किया, बताया गया है 2020 वर्ल्ड कप का फाइनल था, उसी रात को इन्होंने इसके फैज के घर का ताला तोड़ा और अंदर गए। अंदर जाने के बाद इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें मिली, इनको बहुत सारे गोल्डन बिस्किट मतलब गोल्ड के बिस्किट मिले और देखा कि फैज एक जो कि नॉर्मल आर्मी सिपाही है मास तो कांस्टेबल है, उसको इतनी सैलरी तो मिलती नहीं होगी कि उसके पास इतने बिस्किट्स आए होंगे, तो उसको कैसे मतलब इतना अमीर हो गया। उसमें ये भी देखा गया सलमा जो कि फैज की वाइफ है, उनके डाइवोर्स पेपर भी हैं कि शायद इनका फ्यूचर में डाइवोर्स होने वाला है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट सबसे ज़रूरी चीज़ ये देखने को मिली कि एक प्रेगनेंसी किट, यही सेम प्रेगनेंसी किट मिली थी इसी कंपनी की जारा के कमरे से और यही प्रेगनेंसी किट मिली यहाँ पे फैज के घर से। अब यहाँ पे सबूत, यहाँ पे ये बता रहे थे कि फैज ने ही शायद जारा को मारा होगा, क्योंकि ये भी उनको लग रहा था कि ऐसा भी हो सकता है कि फैज ने प्रपोज किया हो जारा को और जारा ने कहा हो कि अभी आप मैरिड हैं, आप अपनी लाइफ पे ध्यान दीजिए, शायद इस वजह से कहीं जारा ने और फैज में लड़ाई हो गई हो और फैज ने जारा को मार दिया हो। तो ये अभी तक की पूरी कहानी स्टोरी लग रही थी और इनको पूरी तरह विश्वास भी हो गया था कि फैज ही जारा को मारा है। तो उन्होंने एक प्लान बनाया कि फैज को तो हम ऐसे पकड़ नहीं सकते क्योंकि आर्मी में है वो और शायद पुलिस को भी वो थोड़ी बहुत रिश्वत दे दे जिससे कि वो नहीं पकड़ सकते। इसलिए उन्होंने एक प्लान बनाया कि जब 100 डे था मीन्स इनके जारा की मौत का, तो 100वें दिन में उसने एक पीस कंडोलेंस के लिए एक थोड़ी सी मीटिंग रखी, इनके फैज के बिल भैज को भी बुलाया, रघु को भी बुलाया और भी फ्रेंड्स थे कॉलेज के जारा के उनको भी बुलाया, शरीफ के यहाँ जारा के पिताजी के यहाँ उनके घर में मीटिंग थी, सबको बुलाया गया और सब लोग आए, सब लोगों ने अपनी अपनी बात कही। इसके बाद सब लोग चले गए, केवल 5 लोग बचे। 5 में कौन कौन? शरीफ जारा के पिताजी, दूसरा रघु जारा का बॉयफ्रेंड, तीसरा फैज जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा शक था केशव को, चौथा केशव और 5वां सौरभ। तो ये 5 लोग बचे। अब इन 5 लोगों में केशव को पूरा यकीन था और सौरभ को तो पता ही था कि फैज ने मारा है, लेकिन केशव को भी पता था कि फैज ने मारा है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा स्टोरी बहुत ही अचानक यूटर्न ले लेती है और यहाँ पे एकदम फैज ने और खड़े होकर अपनी बात बताई कि हमें कितना दुख हुआ है, रघु ने भी अपना कहा कि हमें भी कितना दुख हुआ है, लेकिन केशव ने एकदम रघु की तरफ इशारा किया और कहा कि इसने जारा को मारा है। जब ये बात रघु ने सुनी तो एकदम जाकर कह रहा है रुकिए मैं एक मिनट वॉशरूम होकर आता हूँ,
तो उसी समय फैज ने उसे पकड़ लिया और उसे जोर का दो मुक्के मारे। उसका चश्मा नीचे गिर गया और वो काफ़ी हड़बड़ा गया। अब यहाँ पे जब ये बात पता चली कि रघु तो यहाँ पे शॉक्ड थे, ज़ारा के पिताजी भी और खुद सौरभ, ये दोनों लोग बहुत शॉक थे कि रघु ने कैसे मार सकता है, ये तो उसका फियांसे था, शादी होने वाली थी। तो रघु से जब पूछा गया कि आपने क्यों मारा, तो रघु ने बताया कि एक दिन की बात है, जारा हैदराबाद गई हुई थी 4 दिन के टूर पे। वहाँ पे जारा किसी से इंस्टाग्राम में बात कर रही थी लगातार काफ़ी टाइम से। इसके बाद हमने जारा से बात की तो जारा ने कहा कि कोई अननोन है उसके, उसमें कमेंट कर रहे थे हम। इसके बाद जारा ने सो गई और जारा के सोने के बाद रघु ने जारा का फोन चेक किया। और जब जारा का फोन चेक किया तो वहाँ पे उसने देखा कि जारा की अक्सर बात हो रही है लगातार पिछले कुछ दिनों से फैज में, और उसमें साफ साफ लिखा है कि प्रेगनेंसी टेस्ट करा लीजिए 2 महीने में, शायद कुछ ऐसी ही बातें लिखी हुई हैं। तो ये सब बातें पढ़कर उसमें ये भी पता चला कि दोनों का फिजिकल रिलेशन भी बने हुए हैं पिछले काफ़ी समय से। और काफ़ी बुरा लगा यहाँ पे रघु को कि उसकी गर्लफ्रेंड उसके पीठ पीछे किसी दूसरे मर्द के साथ ऐसे फिजिकल रिलेशन बना रही है। तो यहाँ पे उसमें ये भी लिखा गया था, काफ़ी फैज ने ट्रोल भी किया था रघु को, क्योंकि रघु एक साउथ इंडियन था, हैदराबाद से था और मिस थोड़ा सांवला था, तो उसके बारे में काफ़ी ट्रोल भी किया फैज ने। और लेकिन जारा ने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी वो जारा के ऊपर गुस्सा था कि उसने इतना गलत किया बिना बताए। और इसके अलावा उसने मारने के और भी कारण बताए। उसने कहा ये भी हो सकता था कि मैं जारा से ब्रेकअप कर लूं, लेकिन मैंने अपनी कंपनी के काफ़ी शेयर जारा के नाम कर रखे थे, और अगर जारा से मैं ब्रेकअप कर लेता तो वो कंपनी के शेयर जारा के ही हो जाते, और उसमें नॉमिनी मैं था, इसलिए अगर जारा को मैं ख़त्म कर देता तो उसके सारे शेयर मेरे हो जाते और साथ साथ जारा भी चली जाती, जो कि पहले ही शायद मेरी लाइफ से जा चुकी थी। अब यहाँ पे जो फैज होता है कुछ बोलना चाहता है। फैज कहता है कि जी हमारे बीच में रिलेशंस बने थे, लेकिन उसने काफ़ी बार हमें मना की, मुझे मना किया, उसने कहा कि आप डाइवोर्स मत दो और मैं रघु के साथ खुश हूँ। उसने ये भी कहा कि उसके पास गोल्डन बिस्कुट आए थे, क्योंकि एक बार सिकंदर आया था दिल्ली किसी बम अटैक के लिए, और किसी भी तरह जारा को भनक लग गई थी, तो जारा ने मुझे इन्फॉर्म किया। मैं अपने ट्रूप्स के साथ वहाँ पे सिकंदर को तो छोड़ दिया, लेकिन बाकी दूसरे टेररिस्ट को वहाँ पे मार गिराया, जिससे खुश होकर गवर्नमेंट ने भी मुझे इनाम दिया और सिकंदर ने भी मुझे गोल्डन बिस्किट दिए, जिससे कि उसकी जान बख्शी गई। तो इस तरीके से उसको इतने गोल्ड वाले बिस्कुट मिले। उसने बताया मैं ये पुलिस को सौंप भी दूंगा। तभी सौरभ ने एक बैग दिखाया जिसमें पहले से ही उनके पास बिस्किट थे, तो वो हैरान रह गया। तो उसने बताया कि हमने आपके घर की छानबीन की है। तो ये सब सुना तो यहाँ पे ये पता चला कि जारा का रिलेशन था, फिजिकल रिलेशन बन रहे थे फैज के साथ, लेकिन वो मैरी करना चाहती थी रघु के साथ, क्योंकि वो जानती थी कि फैज है वो पहले से मैरिड है, उसके 2 ट्विन्स हैं जो कि दुबई में रहते हैं, इसलिए वो किसी की लाइफ ख़राब नहीं करना चाहती थी। लेकिन रघु को इतना तो पता चल गया था, कन्फर्म था कि रघु को, कि उसको लगा कि हमारी शादी टूट जाएगी और उसके फिजिकल रिलेशन फैज के साथ हैं, तो ये उसको बुरा लगा। लेकिन उसको ये भी लगा था कि शायद वो अब मुझसे शादी नहीं करेगी और मुझसे कंपनी के शेयर्स लेके और मुझसे पैसे लेकर वो भाग जाएगी, तो ये गलतफहमी हुई। और इस तरीके से ये पता चला कि आखिरकार मर्डरर रघु है, जो कि उसका बॉयफ्रेंड था। लेकिन रघु ने एक बात पूछी केशव से कि तुमको कैसे पता चला कि मैंने मर्डर किया है। तो केशव ने उसको पूरी स्टोरी बताई कि उसको पता चल गया था कि इसका फैज के साथ रिलेशनशिप है, तो उसे शक हुआ कि कहीं तुझको भी पता ना चल गया हो, इसलिए तुझे मार दिया हो। और एक दिन पहले, जारा के बर्थडे के एक दिन पहले की फोटोज निकाली गई एयरपोर्ट की, हैदराबाद एयरपोर्ट की, राजीव गांधी एयरपोर्ट की, तो यहाँ पे आपकी फ़ोटो भी दिखी, जिससे कि ये कन्फर्म हो गया कि आपने ही मारा है, रघु ने ही मारा है, और रघु ने यहाँ पे खुद अपने आप से कबूल कर लिया। तभी तक बाहर पुलिस का हॉर्न साइरन सुनाई दिया और रघु ने कहा ये पुलिस किसने बुलाई, तो सौरभ ने कहा हम लोगों ने, तो रघु ने कहा मैं आपको इतना पैसा दे सकता हूँ जितना आप पूरी ज़िंदगी में नहीं कमा सकते, पूरी लाइफ टाइम में नहीं कमा सकते। तो सौरभ ने कहा थैंक यू, लेकिन हमें पैसा नहीं चाहिए, आई वॉन्ट डेथ। केशव जो कि उसका बेस्ट फ्रेंड है, उसकी जो गर्लफ्रेंड थी जिसको वो अभी भी प्यार करता है,
उसका कातिल पता चल जाए। तो ये स्टोरी थी जिसमें रघु को दोषी पाया गया। इसके बाद मिस्टर राणा का प्रमोशन भी हुआ और जो हमारा वॉचमैन था उसको निर्दोष भी साबित किया गया। इसके अलावा ये भी बात हुई कि बाद में इन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी। चंदन सर के यहाँ ये कोचिंग पढ़ाते थे दोनों लोग, सौरभ और इनके फ्रेंड केशव। इन्होंने जॉब छोड़ दी और एक खुद की डिटेक्टिव कंपनी डाल दी जिसका नाम था जेड डिटेक्टिव। ये नाम सौरभ ने रखा था। नाम पूछने पर उन्होंने बताया कि जेड मीन्स जारा नहीं है यहाँ पे, जेड मीन्स लास्ट अल्फाबेट ऑफ द इंग्लिश, जेड जिसका अल्टीमेट मतलब होता है, तो जे का मतलब अल्टीमेट। उसने हंसी में कहा, लेकिन उसका शायद मतलब जारा ही था, जेड फॉर जारा इन्वेस्टिगेशन कंपनी। इसके बाद काफ़ी टाइम बीता, दोनों ने बात की कि अब अनलव करते हैं एक दूसरे को। एक बार शमशान घाट गया वहाँ पे कब्र में, और एक वाइट कलर का फूल लेकर जो कि जारा को बहुत पसंद था उसमें से उसने उसको चढ़ाया। काफ़ी याद की उसको, वो काफ़ी बार रोया भी इस दौरान। और उसने कहा कि मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि किसी को इतना ज़्यादा प्यार नहीं करना चाहिए और इतने ज़्यादा प्यार किया है, तो आज मैं इसे अनलव करता हूँ। शायद ये इतना आसान नहीं होगा, इतना जल्दी नहीं होगा, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आई फॉरगेट यू। इसके बाद उसने नई अपना बिजनेस शुरू किया। और उसके बाद उन्होंने बताया गया है कि उसने किसी और लड़की को दोनों लोगों ने डेट करना स्टार्ट किया। तो इतनी सी थी ये स्टोरी, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी, हमारी मेहनत आपको पसंद आई होगी। और आपको और अच्छी स्टोरी सुननी है तो आप देखते रहिए हमारे चैनल को। और इसके साथ साथ देख सकते हैं, ये बुक है चेतन भगत की, द गर्ल इन रूम 105। इसमें 304 पेजेस हैं और कोई बहुत अच्छी लैंग्वेज, सिंपल लैंग्वेज, बहुत सिंपल है मेन चीज़, तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी इसको पढ़ने में। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी स्टोरी, और बाकी ऑल द बेस्ट, आप सभी लोग अच्छे से रहें। थैंक यू।